सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज अनिल गुथवानी। यू आर वाचिंग ऑन अ ट्रैवल। और बस यही है, आज है डेट 17 और 5:34, एज यू कैन सी इन माय वॉच। और बस नॉर्मल डे है, मतलब नॉर्मली मैं अभी क्या कर रहा हूँ लॉकडाउन में। अभी मैंने सोचा कि केक बनाना है, केक बनाएंगे। बहुत इजी केक है, केक आप देखना कैसे बनाऊंगा मैं। बहुत इजी केक है। और बस अभी देखते हैं कैसा क्या सीन है। पबजी वबजी भी बहुत खेला है, आगे आपको मिल जाएगा सारे सीन, आपको दिख जाएंगे कैसा क्या सीन है पूरा अपना, क्या चल रहा है लॉकडाउन में। और ट्वेल्थ में हूँ मैं अभी। ट्वेल्थ में मतलब मेरा एक पेपर नहीं हुआ है, मतलब वन ऑफ द बैच जो यूनिक है। मैं टेंथ में था तो मैथ्स का पेपर लीक हो गया था। अब कोविड की वजह से ये पेपर डिले हो रहा है, पर बोल रहे हैं आज शाम को आ जाएगी अपनी फिक्स डेट, कब है कैसा क्या है। और बस यही है आज का दिन, आज चलो कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, मेरे पास एक ड्रोन भी था, मैं देखता हूँ, ड्रोन दिखाता हूँ आपको। छोटा सा ड्रोन था, मैं ढूंढता हूँ पहले, मिल जाएगा आपको ज़रूर से दिखा दूंगा, वरना तो फिर आप देखो नॉर्मली जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और छत वत पर जाता हूँ, छत वत के इतने सीन्स लिए नहीं है, टाइम लैप्स लेके डाल दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस पर भी 10 लाइक का एम है गाइज, ओनली 10 लाइक गाइज। और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको चैलेंज चाहिए या प्रैंक करूँ मैं, किसी देव के ऊपर प्रैंक करूँ या कुछ, तो आप बताओ मेरे को कमेंट में ज़रूर से। और हाँ भाई, अपने धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो अब एम है अपना 100 सब्सक्राइबर्स का। 52 या 54 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो फटाफट से हिट कर दो वो रेड वाले बटन को जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना फटाफट से, तो आपके पास नोटिफिकेशन अच्छे से। तो गाइस, मेरे को फाइनली मेरा ड्रोन मिल चुका है, और इसको चलाया नहीं मैंने कम से कम 6-8 महीने हो गए। और पहले लिया था ये टाइम पास के लिए, ये रहा, ये आपको दिख गया होगा, ये रहा टाइम पास के लिए लिया था मैंने। 14+ एज है, ये देखो इसका पूरा बॉक्स ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैनुअल है, ये ब्रेसलेट पड़ा हुआ है मेरा, हुआ ये इसके अंदर, इसके ये देखो ये प्रोपेलर गार्ड है इसके, ये तो इसका चार्जिंग केबल है। देखते हैं इसको, इसको आज टेस्ट करते हैं। इसका स्क्रू ड्राइवर आया था, ये देखो ये फोल्डेबल ड्रोन था मेरे पास यार, ये देखो ऐसे टाइम पास के लिए था ये तो इसका, ये देखो ये मैंने विंग भी तोड़ दिए। और बस देखते हैं, ये रहा रिमोट इसका, ओ ये क्या है भाई रिमोट, चलो कोई नहीं रिमोट ये रहा, और तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, इसको रखता हूँ साइड। ड्रोन ये रहा, ड्रोन को देखते हैं अपन पहले, ड्रोन चलेगा कि नहीं चलेगा। चल गया चल गया चल गया, लाइट दिख गई होगी आपको लाइट, चलो लाइट तो दिख गई। रिमोट का देखता हूँ मैं, रिमोट ने धोखा दे दिया है गाइस, रिमोट नहीं चल रहा, ठीक है रिमोट नहीं चल रहा है तो ड्रोन भी नहीं चलेगा, नहीं तो मैं आपको उड़ा के ज़रूर से दिखाता। ओ रिमोट चल गया, रिमोट चल गया, या इसका एक वो प्रोपेलर एक काम नहीं कर रहा, कितना छोटा सा ड्रोन है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा ड्रोन है, बहुत छोटा ड्रोन है यार, ये देखो इसका एक प्रोपेलर ये वाला काम नहीं कर रहा है, इसकी शायद मोटर वोटर में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं देख लूंगा उसको। ये देखो ये जा रहा है ना इधर उधर, चलो कोई नहीं देख लेते हैं। ठीक है मतलब टाइम पास ड्रोन है, ठीक है चलो टाइम पास है, चलते हैं हम दूसरा ड्रोन लेंगे कभी तो दिखा देंगे आपको। और चलो फटाफट से चलते हैं केक बनाने किचन में, किचन में। सो गाइस, मैं किचन में आ चुका हूँ, एज यू कैन सी बिहाइंड मी मैं किचन में आ चुका हूँ। और अब मैं बनाने वाला हूँ डार्क फैंटेसी के जो बर्बर आते हैं उनका केक, उसका केक, ठीक है। एक पैकेट से केक नहीं बनने वाला, तो मेरे पास है इतने सारे पैकेट्स, तो इनको खोल के अब इनको इनकी जो क्रीम है, हमको इनकी जो क्रीम है वो अलग करनी पड़ेगी, और बिस्किट्स अलग करने पड़ेंगे, ये थोड़ा टास्क है। और इनको अच्छे से पूरा मिक्सी में या किसी चीज़ से इनको पूरा पाउडर जैसा बनाना है, तो अपन चालू करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है,
गाइस अभी मैंने सिर्फ दो बिस्किट के करे हैं यहाँ पे और तीन बिस्किट अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो दो बिस्किट इनफ है। और ये जो क्रीम है आप देख सकते हो, इसको आप बाद में ऊपर डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, पर मैं इसको केक के अंदर मत डालना क्योंकि केक अपना जाएगा ओवन में और ओवन में ये जल जाएगी क्रीम। सो इसलिए ये इतने बिस्किट में काफी लग रहे हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, मिक्स करेंगे, जो भी आप कर सकते हो। सो चलो मिक्स करते हैं। तो गाइस एज यू कैन सी जो पूरा जो बिस्किट्स है वो पूरा पाउडर में कन्वर्ट हो गए हैं। इनको अब एक प्लेट में निकालना है। और अब आपको चाहिए होगा या तो शुगर का सिरप या पाउडर शुगर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पाउडर शुगर लेना। और बस ये इसमें मिलाना है पाउडर शुगर, ठीक है, नॉर्मली इसमें मिलाना है, एकदम हो गया। और मिल्क, और मेन चीज़ तो है जिससे अपना केक हो जाएगा वो है इनो। ये इनो की मेरे पास बॉटल है, इनो ले लेना, इनो ज़्यादा बेटर। जब आप दूध डालने के बाद एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हो, उसके बाद आपको ये प्लेन वाला इनो डालना है, कोई नींबू फ्लेवर नहीं, कोई दूसरा नहीं, एकदम रेगुलर वाला जो होता है वो डालना है, ठीक है। सो भाई जैसे कि मैंने दो बिस्किट का लिया था, और तो फिर अब पाउडर शुगर डालना है। तो पाउडर शुगर मैं डालता हूँ 1 चम्मच जितना डालता हूँ पहले तो, ठीक है, 1 चम्मच डालता हूँ उसमें, 1 चम्मच जितना डाल दिया मैंने, इतना इनफ है। एज यू कैन सी इतना इनफ है, ये बहुत है। तो अब बस इसमें अब आपको इसमें मिल्क ऐड करना है, और जिसमें अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कंटेनर है तो आप अपना कुकर में भी बना सकते हो नॉर्मली, पर मैं बनाऊंगा ओवन में। और बस अभी मैं मिक्स करूंगा मिल्क विल्क डाल के, ये रहा मिल्क, यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, मिल्क विल्क डाल के मैं मिक्स करूंगा, और फिर उसके बाद मैं डाल दूंगा फटाफट से ये इनो का पैकेट। और बस फिर 8 मिनट के लिए डाल देना आप ओवन में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केक ऊपर आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपका केक बन रहा है, तो फटाफट से मैं बनाता हूँ केक। और चलो अब कंटिन्यू करते हैं, जब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो। केक हमारा रेडी होने जाएगा ओवन में 4-5 मिनट्स। और ये पूरा मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया, इसके अंदर मैंने जेम्स डाली है थोड़ी बहुत, ये जो जेम्स डाली है मैंने थोड़ी बहुत, ठीक है। और बस अभी इसको ओवन में डालूंगा, तब तक आ जाएगा ओरियो का, और हर्शीज तो डाला ही था। तो ये जो क्रीम है, अब बची हुई जो क्रीम है आप इसको ऊपर से डेकोरेशन के लिए ऐड कर सकते हो, ऊपर से डेकोरेशन के लिए ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी खा सकते हो, ज़्यादा सही लगेगा जैसे आपको। बस अब इसको मैं ओवन में डालूंगा और देखते हैं कैसा क्या बनता है केक।
एंड रिजल्ट आपको एंड में मिल जाएगा वीडियो के। चलो गाइस, आर केक इज रेडी इन 5 मिनट्स और अब इसको बाहर निकालता हूँ और इसको डेकोरेट करेंगे फटाफट से इन चॉकलेट से। और आप चाहो तो, अगर आपके पास चॉकलेट्स नहीं है तो आप ये क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे ही अलग अलग बिस्किट का भी आप बना सकते हो। तो चलो फटाफट से मैं केक बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, एज यू कैन सी, जो मैंने ऊपर से हर्शीज यूं यूं गोल गोल करके डाली थी वो पूरी सेंटर में आ गई है और कोई दिक्कत नहीं है, इतना इशू नहीं है, वो अच्छा ही लगेगा क्योंकि चॉकलेट लावा केक भी बन सकता है। और बस अभी इसको ठंडा होने के लिए रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और जब तक मैं ये क्लीन कर लेता हूँ और चॉकलेट्स को वहीं का वहीं रख रहेंगे क्योंकि इसको भी डेकोरेट भी करना है। सो गाइस, ये रहा पूरा केक, ये मैंने निकाल लिया है, देखो एकदम साइड से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो मैंने हर्शीज डाला था वो सेंटर में आ गया, अब मैं खा के देखूंगा, पर बहुत अच्छा बना है। इसके पहले भी मैंने बनाया था, वो आपको केक की यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा बनता है केक, आप बना सकते हो, बहुत अच्छा है ये। और हाँ, बस यही था आज का पूरा वीडियो, मैं वो करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस बार फिर सिर्फ 10 लाइक का एम है, ओनली 10 लाइक गाइस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।